हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड्स एब्सेंट हैं, एक दो महीने से, कई महीनों से अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा, आपके चेहरे पे, हाथ पैर पे बाल बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि फेशियल हेयर्स और बॉडी पे आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, आपका वेट अचानक से बढ़ने लगा है, आपको किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों को खाने की बहुत क्रेविंग होती है, और अगर आप थका थका महसूस करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो हो सकता है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण महिलाओं को अंडे नहीं बनते, वो रिलीज नहीं होते, ओविलेटरी डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम होती है, और ये कारण बनता है इनफर्टिलिटी का, महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को दो तरीकों से, दो चीजों को फॉलो करके किस तरीके से ठीक करना है ताकि हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम ठीक हो। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो यह जान लें कि मेडिसिन टेम्पररी आपको रिलीफ देंगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आज के वीडियो में बताई गई दो बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी पीसीओडी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो एक बार समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से गर्भधारण में किस तरह से समस्या आती है। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये एक महिला का प्रजनन तंत्र है। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल ओवेरी इस तरह से होती है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरी जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होता है, वो इस तरह से होती है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल जमा हो जाते हैं जो कि रिलीज नहीं होते हैं और गर्भ नहीं रुकता है। तो अगर आपके ओवेरीज इस तरह से हैं तो आपको गर्भ नहीं ठहर पाएगा। आप सभी सहेलियां ये जरूर जानना चाहेंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मुझे कैसे हो सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रमुख कारण है आज के समय की जीवनचर्या, जो लाइफ स्टाइल आज के समय में है, खान पान का तरीका, जहां फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, पॉल्यूशन का एक्सपोजर है, और स्लीप साइकिल वर्कलोड स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो गई है, ये सभी चीजें पीसीओडी का कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के शरीर में बढ़ने का कारण है। पीसीओडी की वजह से जो महिलाएं ओवरवेट हो जाती हैं, उनमें 95% महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे ठीक करना है, आइए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होता है, तब इंसुलिन का स्तर शरीर में बढ़ता जाता है, और वो हार्मोन जो कि आपके एग को बनाने के लिए जरूरी हैं, आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए जरूरी हैं, उनका लेवल घट जाता है। इस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आते, आपको ओविलेट नहीं होता, और इनफर्टिलिटी की समस्या आपको होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दो काम करना है, एक डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। डाइट में कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि बिना ज़्यादा इफर्ट किए बहुत सरलता से आप ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे सुपर फूड के बारे में बताऊंगी जो कि आप अपने डाइट में ऐड करें, जिससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और यकीन मानिए, हजारों महिलाओं ने इन डाइटरी टिप्स को फॉलो करके पीसीओडी में सफलतापूर्वक गर्भधारण किया है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमको डाइट और एक्सरसाइज में किन चीज़ों को फॉलो करना है। डाइट की अगर हम बात करें तो एक दिन में हमें 6 बार खाना खाना है, 6 टाइम हमको मील लेना है। जो भी आप फूड लेते हैं उसको 6 पोर्शंस में डिवाइड कीजिए, और 6 बार में अपने पूरे 24 घंटे के फूड को आपको खाना है। इससे आपके बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। शुगर का लेवल काफ़ी कम या काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके से फ्लक्चुएशन अगर आता है तो आपको समस्या हो सकती है। तो हमें थोड़े थोड़े गैप से फूड लेना है। फूड में हमको कोई भी चीज़ जो कि शक्कर मैदा से बनी हो उसको पूरी तरह से बंद करना है। कुकीज़, बेकरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब को पूरी तरह से अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम मीठे फल, सलाद और बहुत सारे अनाज, तरह तरह के मिलेट्स होते हैं, उनको अपने खाने में शामिल करना है। इसके साथ कुछ सुपर फूड्स होते हैं। सुपर फूड्स कैसे? सुपर फूड वो चीज़ें होती हैं जो भले आप कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा पोषण छुपा हुआ होता है। वो बिल्कुल टारगेट तरीके से अपने शरीर पर बीमारी की कंडीशन में काम करते हैं और हमारी शारीरिक समस्या को हल कर देते हैं। तो सुपर फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जबकि आपको पीसीओडी है या फिर आप डायबिटिक हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको है, आप अगर पीसीओडी से परेशान हैं, तो अपने खाने के बाद में आप इस सुपर फूड को ले सकती हैं। ये सुपर फूड अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन छुपाए हुए हैं। अब इसके न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो एग क्वालिटी और हॉर्मोन्स दोनों ही बिगड़ जाते हैं। तो एग क्वालिटी और हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए इसके अंदर इनोसिटॉल है, जो कि 2 वेराइटीज में इसके अंदर अवेलेबल है।
इसके अलावा विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए पीसीओडी कंडीशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्रोमियम, जिंक और कई सारे मल्टी विटामिन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो पीसीओडी के दौरान आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप इस पीसीओएस सुपर फूड को जरूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका है कि इसके अंदर सैशे हैं, जब भी आप दोपहर का खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 30 मिनट तक आप कुछ भी ना पिए, कुछ भी फ्लूड अपना लें, कुछ भी तरल पदार्थ अपना लें, 30 मिनट बाद 200-250 ml पानी में, एक ग्लास पानी में ये एक सैशे आपको खोलना है, ऐड करना है, चम्मच से मिलाना है और उसे पी लेना है। पीसीओडी कंडीशन में सुपर फूड का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि ये आपके एग को हेल्दी बनाने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। इसको परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया है, वहां से आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज न कम करना है न ज्यादा, ये नहीं कि हफ्ते में केवल 2 दिन कर लिया और संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको डेली मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। मॉडरेट एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, 20-30 मिनट एक्सरसाइज रोज कीजिए, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। कई आसन जो योगासन होते हैं वो आपको घर में करना बहुत ही आसान होगा, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे कई वीडियोस हैं जो कि फर्टिलिटी योगा पे आधारित हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा 7 घंटे की नींद जो कि आपके शरीर में हार्मोन को सही तरीके से बनाने के लिए बहुत जरूरी है, आपको लेनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप इन 2 चीजों को फॉलो करने लगते हैं, अपने खान पान को ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, अपने सुपर फूड को अपने भोजन में ऐड कर लेते हैं और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो बस इन 2 चीजों को फॉलो करके आपके एग बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपके हार्मोन संतुलित हो जाते हैं, और हार्मोन संतुलित होने से आपकी पीरियड साइकिल ठीक होने लग जाती है, आपके फेशियल हेयर्स, आपका वेट गेन का प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व होने लग जाता है, ओव्यूलेशन नियमित हो जाता है, और इस तरीके से आप अपने पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो आप इसे 3 से 6 महीने जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी पीरियड साइकिल पूरी तरह से ठीक हो और आपका गर्भधारण सुनिश्चित हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सभी सहेलियां जो अक्सर हमसे पूछती हैं कि हमको पीसीओडी में किस तरीके से डाइट लेना है, क्या चीजें खानी है, उनको आज की वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी और वो भी अपने डाइट एक्सरसाइज को करेक्ट करके, सुपरफूड्स को ऐड करके अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से ठीक कर लेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।